भगवान के प्रसाद की भक्ति। श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन राजा चौपर खेल रहे थे, उसी समय श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उन्होंने बाएं हाथ से प्रसाद छूकर उसे स्वीकार किया। यह देखकर पंडा जी रुष्ट हो गए और प्रसाद को लेकर वापस चले गए। राजा जब चौपर खेलकर वापस महल में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने नई बात सुनी और जाना कि उनके अपराध के कारण अब उनके पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। इस बात से विचलित राजा ने मन में विचारा कि जिस दाहिनी हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है मैं उसे ही काट डालूंगा, यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया था, परंतु राजा के हाथ को अब काटे कौन, यह सोचकर वह खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा कि रोज रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है, उसके भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा कि आज मैं आपके पलंग पर सो जाता हूँ और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरौके में हाथ डालकर शोर मचाएगा तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। यह सुनकर राजा ने कहा बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री के पहरा देने पर राजा ने पलंग से चुपचाप उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया और मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। किंतु जब सच्चाई पता चली तो बहुत लज्जित हुआ। तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम निर्दोष हो, प्रेत तो मैं ही था क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पुजारियों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा अभी के अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान का आदेश सुनते ही सब प्रसाद ले महल की ओर दौड़े। उन्हें आता देख राजा आगे आकर उनसे मिले और दोनों हाथों को प्रसाद लेने के लिए फैलाते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। उनका हाथ जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने भक्तिपूर्वक प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। राजा को भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख अनुभव हुआ। राजा का कटा हुआ हाथ लेकर पंडे लोग बाग में लगाए, उससे दौना के वृक्ष हो गए और उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंगों पर चढ़ते हैं और उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। तो बोलिए जय भगवान जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।